सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी। इस वीडियो में हम आपको मकर राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी राशि का प्रतीक बकरी है और एक पहाड़ी बकरी की तरह आप जीवन में उच्च और उच्चतम शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं। आपको विश्वास है कि आप अपने लिए निर्धारित उच्च लक्ष्य को पाकर रहेंगे। यह आपके लिए बहुत संतोष की बात है और इसी बात के लिए दूसरे आपका सम्मान करते हैं। आप जोखिम लेने से नहीं हिचकते हैं, लेकिन आप लापरवाह नहीं है। अपने सभी कार्यों को पूर्व नियोजित तरीके से करते हैं और कार्यान्वयन से पहले आप उसका अभ्यास करते हैं। अपनी हर चाल सोची समझी होती है। आपके रिश्ते जटिल हो जाते हैं। आप बहुत स्वार्थी हो सकते हैं और एक मजबूत इच्छा होती है पर्याप्त नेतृत्व और शक्ति पाने की, जिससे आप समाज में एक उच्च दर्जा हासिल कर सकें। आप शांत और शालीन हो दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत भावुक हो सकते हैं। आप आत्म प्रेरित हो सकते हैं और किसी भी तरह अपने जरूरत के हिसाब से अवसरों को खोजने का प्रबंध कर लेते हैं। आप में एकाग्रता की अच्छी शक्ति होती है। चक्राकार ग्रह शनि ज्यादातर शैतान शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। यह ग्रह सीमाओं और बंधनों का प्रतीक है। यदि आप इन सीमाओं से परास्त हो जाते हैं तो आप कारण और प्रभाव के कानून के भीतर रहने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक अभ्यास की कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो सारी भौतिकता से परे होता है। मकर राशि के लिए स्वामी ग्रह के रूप में शनि इस बात का प्रतीक है कि आप जिसके लायक हैं वो आपको मिलेगा। जीवन में शॉर्टकट लेने से बाद में आप समस्याओं में फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा। दशम भाव पिता का घर होता है। यह घर आपके काम और पेशे को प्रभावित करता है। इस घर से यह भी संकेत मिलता है कि दुनिया की आपके बारे में क्या धारणा है। आप में अंतर्ज्ञान की चमक होती है। आप अपने सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति की तलाश करने के लिए इसकी शक्ति पर निर्भर कर सकते हैं। आपके राशि का तत्व पृथ्वी है, जिसकी उल्लेखनीय विशेषता व्यावहारिकता है। आप भी व्यावहारिक हैं, लेकिन सहजता में कमी है। आपके सभी कदम पूर्व नियोजित और पूर्वाभ्यासित होते हैं। आप असफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और सुनिश्चित सफलता की दिशा में सारे प्रयास करते हैं। आप देख के विश्वास करने वाले लोगों में से हैं। आप केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जांचा परखा जा चुका है। आप असलियत पसंद करते हैं और आदर्शवादिता से घृणा करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और दूसरे भी आपकी राय को महत्व देते हैं। आप अपने कार्यों में दृढ़ रहते हैं और असफलताओं से प्रभावित नहीं होते हैं। आप लगातार कोशिश करते रहते हैं जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। भरोसेमंद, धैर्यवान और वफादारी आपके अन्य सकारात्मक लक्षण हैं। बाधाओं पर काबू पाने की आपकी आदत आपको मजबूती प्रदान करती है। हालांकि आप निसंदिग्ध, लेकिन आप नकारात्मक से मुक्त नहीं हैं। अक्सर आप स्वार्थी हो जाते हैं और शायद ही कोई कार्य करते हैं जिसमें आपका स्वार्थ शामिल ना हो। आपकी किसी भी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा कई बार आपको क्रूर और अपने कार्यों में अत्याचारी बना देती है। आप पूरी तरह से असंवेदनशील हैं और भावना विहीन हो सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप ऐसे ही हैं। जय माता।